Sagan. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट इन हिंदी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना CSC के माध्यम से किस तरह से आप अटल पेंशन योजना को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और इस योजना का बेहतर तरीके से लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों, ये अटल पेंशन योजना है क्या? दोस्तों, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक पेंशन स्कीम है, यानी कि जब आप ये योजना दोस्तों मिनिमम आपका उम्र कम से कम 18 साल और 18 से 40 साल के बीच में अगर आपका है तो इस पेंशन योजना का लाभ आप उठा सकते हो। तो दोस्तों, एक लिंक है और उस लिंक पर मैं चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस अटल पेंशन योजना के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आप मिनिमम 210 रुपये आप जमा करते हो तो आपको 60 साल की उम्र कम्प्लीट करने पर ये आपको 5,000 रुपये प्रति माह आपको ये पेंशन मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें देखिए अटल पेंशन योजना के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं अटल पेंशन योजना के फ़ायदे। उसके बाद इसको आप पढ़ सकते हैं इस लिंक पर, और इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आप आ सकते हो, ठीक है? और इसके बारे में मैं और थोड़ा आपको बता दूँ, और आपकी जमा पर कितनी मिलेगी पेंशन, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर तो दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कब तक जमा करवाना है पेंशन का प्रीमियम। तो ये 18 से 40 साल की उम्र में आप ले सकते हैं और आपको 60 साल अधिकतम 60 साल यहाँ पे अपनी उम्र आप कंप्लीट करते हो तो ये उसके बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कितना पैसा देगी सरकार आपके खाते में, तो यहाँ पर देखिए 5 साल तक आपको, यानी 2019 से 2020 तक सरकार आपकी जमा राशि का 50% या अधिकतम 1,000 रुपये प्रति वर्ष योगदान करेगी। हालांकि योगदान उसी खाताधारक को मिलेगा जो आयकर अदा नहीं करता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये स्कीम आपको मिलेगा। कैसे खुलवाते हैं अटल पेंशन योजना खाता, ठीक है, ये मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद कैसे जमा करना होगा प्रीमियम, और इसके बारे में मैं दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये ऑटो डेबिट सर्विस सिस्टम है, यानी कि आप एक बार इस स्कीम को ओपन कर लेंगे उसके बाद ये आप ऑटोमेटिकली आपके खाते से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद कितनी राशि पर कितना पेंशन मिलेगा, यहाँ पे देखिए 42 रुपये आप अगर यहाँ पे प्रति माह अगर आप जमा करते हो तो 60 साल की उम्र कंप्लीट करने पर 1,000 रुपये प्रति महीना आपको मिलेगा। यानी कि अगर उपभोक्ता 210 रुपये प्रति माह अगर पे करता है तो उसे 60 वर्ष की उम्र कम्प्लीट करने पर 5,000 रुपये उसको प्रति माह मिलेगा। और ये बिल्कुल सरकारी योजना है और इस पे आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। फिर दिया है यहाँ पे स्वावलंबन योजना खातों का होगा विलय, ठीक है? तो इस योजना में स्वावलंबन खातों का, देखिए सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक स्वावलंबन योजना में खाता खुलवा चुके लोगों को सीधे अटल पेंशन योजना का भागीदार बनाया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये स्कीम आपको मिलेगा। उसके बाद ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसको डिटेल्स में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बता दूं इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है? तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको यहां पे बता दूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप सब लोगों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी और अपना CSC से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, और जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो दोस्तों बिना समय गंवाए आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए मोजिला फायरफॉक्स में खोल लेता हूँ। उसके बाद क्योंकि दोस्तों जो अपना CSC का जो पोर्टल है वो मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही काम करता है, गूगल क्रोम पर वो नहीं ओपन होता। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ सिंपली गूगल। गूगल टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अपना CSC, ठीक है? ये देखिए अपना CSC आ गया यहाँ पर, और अपना CSC पे मैं क्लिक कर लेता हूँ सिंपली। मैं यहाँ से देखिए यहाँ पे CSC कनेक्ट है, CSC कनेक्ट पे मैं क्लिक करके इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से देखिए लॉगिन ID एंड पासवर्ड दिया हुआ है तो यहाँ से मैं लॉगिन हो जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ, तो कुछ ही समय में यहाँ से मैं स्टार्ट कर लूँगा।
यहाँ पे सर्विस पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कम्प्लीटली लॉगिन हो चुका हूँ। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे अटल पेंशन योजना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जन सुरक्षा योजना, ठीक है। ये वही लिंक है जहाँ से हम अटल पेंशन योजना को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है अटल पेंशन योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको ये पहले को छोड़ करके, अटल पेंशन योजना को छोड़ के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा को अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर दिया है करेंटली दिस सर्विस नॉट अवेलेबल, इस समय ये सर्विस उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी मैसेज आ रहा है, लेकिन ये अटल पेंशन योजना अभी चल रहा है। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से ऑथेंटिकेशन टाइप यहाँ पे आ गया है, यहाँ से वन टाइम पासवर्ड से मैं इसको प्रोसीड कर ले रहा हूँ और यहाँ से मैं ओटीपी जनरेट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, ओटीपी मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ, वैलिडेट ओटीपी, यहाँ से कंटिन्यू। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अटल पेंशन योजना APY, ठीक है, यहाँ पे खुल चुका है पेज और यहाँ पे दिया हुआ है न्यू सब्सक्रिप्शंस और यहाँ पे दिया है स्विच टू स्वावलंबन। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं न्यू सब्सक्रिप्शन के तौर पर, या फिर इसको स्वावलंबन के तौर पर यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे स्विचिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 से 40 साल उम्र दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ब्रांच मैनेजर, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है और यहाँ पे आप ब्रांच का नाम डालना है आपको, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको पंजाब नेशनल बैंक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दूसरा बैंक के लिए यहाँ पे ऑप्शन अभी नहीं दे रहा है। आपका अगर पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तभी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, इसमें ये कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे कस्टमर आईडी, फिर यहाँ पे आपका जो बैंक का नाम है और ब्रांच है यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना फुल नाम, अगर आप SMT है आपका टाइटल, या जो भी है आपका टाइटल कुमारी है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो, चूँकि पहले यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर यहाँ पे डाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम आ गया है और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कितना उम्र है यहाँ पे आ गया है, मोबाइल नंबर है और आधार नंबर है। तो इतनी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आधार में जो दिया गया है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू मैरिड, मैरिड या अनमैरिड यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है नेम ऑफ स्पाउस, अगर मैरिड है तो आप यहाँ पे वाइफ का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। फिर दिया है यहाँ पे नॉमिनी नेम, यहाँ पे नॉमिनी नेम यहाँ पे किसका नाम आप डालना चाहते हो, मदर नेम डालना चाहते हो या अपने अपने बच्चे का डालना चाहते हो या अपने वाइफ का नाम यहाँ पे डालना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्पाउस का अगर आप नाम डालते हो तो उनका आधार नंबर यहाँ पे डालना है, ओके। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नॉमिनी रिलेशनशिप विद सब्सक्राइबर, ठीक है, नॉमिनी का क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर वाइफ का आप डाल रहे हो तो यहाँ पर रिलेशनशिप आपको दिखाना है कि कौन है वो। अगर वाइफ डाल रहे हो तो यहाँ पे वाइफ अपना डालना है, ठीक है। अगर अपने फादर का नाम यहाँ पे स्पाउस नेम में अगर डाल रहे हैं तो यहाँ पे फादर दिखाना पड़ेगा कि हाँ इनका रिलेशंस फादर का है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, फिर दिया है डेट ऑफ बर्थ, देखिए एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ नॉमिनी इज अ माइनर, ठीक है। तो अगर आपका जो नॉमिनी है वो माइनर यानी उम्र छोटी उम्र है, ठीक है, तो यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, गार्जियन का नाम यहाँ पे डाल लेना है। फिर दिया है वेदर बेनिफिशरीज ऑफ अदर स्टेट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अगर पहले से कोई सोशल बेनिफिशरी सोशल स्कीम्स है तो यहाँ पे आपको डाल लेना है, ठीक है, इसमें आपको डालना है। फिर दिया है अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो यस या नो यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद पेंशन डिटेल्स दिया है, पेंशन अमाउंट दिया है, आप 1000 रुपये महीना डाल रहे हो, नहीं सॉरी। तो दोस्तों आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे
पेंशन का जो अमाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेंशन का अमाउंट है, यानी कि 1000 रुपया है या 2000 रुपया है, 3000 या 4000, 5000 तक, ठीक है। तो 5000 तक दिया हुआ है, आप इसको मंथली आप पे करना चाहते हो या क्वार्टरली पे करना चाहते हो या हाफ ईयरली। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रीब्यूशन अमाउंट मंथली, तो आप इसको किस तरह से इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हो। फिर यहाँ पे दिया है डेट, यानी कि जिस तारीख को आप ले रहे हो उसके बाद प्लेस अपना डाल लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर लीजिए। और दोस्तों सबमिट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इस पेंशन योजना के लिए, और हर महीने आपके खाते से जितने का अमाउंट आपने डाला हुआ है पेंशन अमाउंट में, ठीक है, तो उतना हर महीने आपके खाते से वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप मंथली, अगर आपका पेंशन स्कीम है, अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली हर तीसरे महीने पर, या हाफ ईयरली, हाफ ईयरली यानी 6 महीने पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके खाते से कटता रहेगा, ठीक है। और जब आप 60 की उम्र आप कंप्लीट करते हो तो आपको पेंशन योजना का लाभ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइक का बटन है, ठीक है, लाइक का बटन दबाएं, और इस दोस्तों को, और यहाँ पे देख सकते हैं आप शेयर है, ठीक है, तो इसको आप अपने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ठीक है, तो इन सब साइट्स पर अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप यदि आपके लिए ये बेनिफिशियल्स है और दूसरों को अगर चाहते हैं कि ये दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल्स हो तो इसको आप शेयर करिए। और दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इस चैनल पर आप सब लोगों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, अपना सीसी से रिलेटेड वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो बिना समय गंवाए इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।